हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेट्रोल पंप पर रेट चेंज कैसे करते हैं, यानी डीजल या पेट्रोल जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है इसको चेंज कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना है, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पेट्रोल पंप पर प्रोडक्ट की जो प्राइस है पर लीटर, इस प्राइस को दो तरीके से चेंज किया जाता है। पहला तरीका है जिसको अपन बोलते हैं मैनुअली, जो होता है ये जो मशीन है इसके अंदर सेटिंग में जाके आपको चेंज करना होता है। जो मशीन अगर ऑटोमेशन में नहीं है तो मैनुअल तरीके से किया जाता है। अगर ये DU जो भी मशीन है किसी भी कंपनी की, वो अगर ऑटो मशीन से कनेक्ट है यानी कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, तो उस स्थिति में ये जो प्रोडक्ट की प्राइस है इसको आप यहाँ से मशीन से नहीं चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आपको कंप्यूटर यानी ऑटोमेशन से चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस मशीन से कैसे चेंज करते हैं उसका वीडियो मैंने पहले भी चैनल पर बनाकर डाल दिया है और उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि ऑटो मशीन से इस डीजल या पेट्रोल की प्राइस को कैसे चेंज किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार का होम पेज दिखाई देगा, जहाँ पर टैंक के अंदर कितना स्टॉक है, ये वाला पेज होम पेज कहलाता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर साइड में देखिए, बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक ऑप्शन है वेट स्टॉक मैनेजमेंट, तो आपको वेट स्टॉक मैनेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर ऊपर की तरफ में बहुत सारे ऑप्शन और फंक्शन आ जाएंगे। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन प्राइस अपडेट का है, अगर आपके कंप्यूटर में या नहीं आके कहीं बीच में आ रहा है तो भी आपको प्राइस अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, करंट रेट, इफेक्टिव डेट और न्यू रेट यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कौन सा प्रोडक्ट है, अभी क्या रेट है, और इफेक्टिव डेट यानी कब चेंज हुई थी, जो लास्ट में हुई थी। तो अब आपको मान लो डीजल की प्राइस को चेंज करना है, तो आपको यहाँ से डीजल के प्रोडक्ट पर क्लिक करना है, तो ये प्रोडक्ट यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, नीचे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे डीजल और यहाँ पर प्राइस अपडेट। अब मान लो आपको रेट चेंज करनी है, तो यहाँ से आपको जो भी न्यू रेट डालना है, हालांकि रेट चेंज नहीं हुई है तो मैं यही रेट वापस लिख देता हूँ। यहाँ पर है इफेक्टिव डेट, अगर आपको पहले इससे ही इफेक्टिव करके रखना है, जैसे मान लो आज 13 तारीख है और आपको 15 तारीख से रेट चेंज करना है, तो यहाँ पर आपको 15 तारीख सेलेक्ट कर लेना है। अभी आपको करंट टाइम में, मतलब हाथों हाथ एंड टू एंड अभी आपको चेंज करना है जस्ट, तो आपने जो ये रेट लिखी है वो लिखने के बाद में यहाँ पर मॉडिफाई का बटन है, तो आपको मॉडिफाई के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू अपडेट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डीजल, तो आपको यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में देखिए, प्रोसेसिंग होगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर आपकी रेट जो भी है वो न्यू रेट में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप डीजल या पेट्रोल किसी भी प्रोडक्ट की रेट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप पेट्रोल को सेलेक्ट करके पेट्रोल की रेट को भी यहाँ से करेक्शन करके मॉडिफाई से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा।